मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम क्लास थ्री का हिंदी व्याकरण है पार्ट टू का हिंदी वर्णमाला का रिवीजन करते हैं। पार्ट टू की मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? अ आ से लेके ओ औ तक स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण क से लेके ह तक है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण है और 33 व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण है अ, व्यंजन वर्ण है क से लेके ह तक। फिर आइए आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, ज्ञ और श्रवा जो है संयुक्त व्यंजन। जैसे देखिए, ये भी क व्यंजन है और स भी व्यंजन है। दोनों को आधा क और स को मिलाते हैं तो छ बनता है और इससे दो शब्द बनेंगे, क छ रक्ष। फिर त्र, त्र भी दो व्यंजन है, देखिए त्र आधा त और र मिलकर बनेंगे त्र। दो इनसे बनेंगे पत्र और त्रिशूल, यानी ये दोनों व्यंजन और व्यंजन के मिश्रण से छत्र। इसी प्रकार ज्ञ और श्रव भी बनेंगे। ज्ञ में ग ज और ञ लगेंगे, श्रव में उसी प्रकार बनेंगे। आइए संयुक्त अक्षर क्या है? जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब उनका मेल संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता में ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, ये आधा त है और ये पूरा त है, दोनों मिलकर बन गया। अगर ये दोनों मिलाएंगे तो इससे एक वर्ड बनेगा कुत्ता। इसी तरह का प्रकार है व आधा छ और पूरा छ मिलके बच्चा। इसी प्रकार और भी शब्द बन सकते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? हिंदी के सारे वर्ण जब एक साथ क्रम में, क्रम क्या है मतलब एक लगातार, जैसे क ख ग घ अंग, उसी प्रकार जब लिखे जाते हैं तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा है अ आ छोटी बड़ी, इसी प्रकार जो सारे वर्ण होते हैं लिखते चले जाते हैं तो वो एक वर्णों का समूह हो जाता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। हर स्वर की भी मात्राएं होती है, जब स्वरों को हम किसी शब्द में लगाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं लगाते हैं, उनका कुछ ये मात्रा बन जाता है जिसे हम इस प्रकार यूज करते हैं। जैसे अ अपने आप ही किसी में जुड़ जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ की मात्रा ये होती है। जैसे हमने आम बनाया तो ये मात्रा लगाकर, फिर छोटी की मात्रा ये होती है, जैसे मैंने किला बनाया। बड़ी की मात्रा ये होती है, इससे भी शब्द बन सकते हैं। छोटी की मात्रा ये होती है, बड़ी की मात्रा ये, री की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये, ए की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये और अ की मात्रा ये। कुछ और भी मात्रा है जिनका हम यूज करते हैं। अनुस्वार की मात्रा होती बिंदु, चंद्र बिंदु ये है, और विसर्ग की मात्रा ये है, जिनका हम अलग अलग प्रकार से जब शब्दों को लिखते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। आइए इसी पर आधारित मैं आपको कुछ कार्य देती हूँ आपको करने के लिए, जिन्हें आप घर में करें। जैसे पहला है इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहला में वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार स्वर वर्ण क्या है? इनका उच्चारण, स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? मैंने आपको यहाँ समझाया है। उसी
मिश्रिता संयुक्त व्यंजन से बने दो दो शब्द लिखना आपको। जैसे मैंने यहाँ बताया आदम को और स्वामित्व का क्षत्रिय से आप दो बनाना है, आप बना सकते हैं। जैसे क्षत्रिय जो भी क्षमा त्रश है भी आपको बनाना है, वज्र बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं आप। इसी प्रकार संयुक्त अक्षर से बने दो शब्द लिखे, हाँ आपको एक एक शब्द लिखना है, दोनों में एक एक शब्द लिखना है। ऐसे आधा छ पूरा छ एक बच्चा बन सकता है, आधा का और पूरा का मिलकर ये आया और इसे आप पत्ता बना सकते हैं। इसी प्रकार इन स्वरों की मात्राएं लिखे, मतलब ये जो स्वर की मैंने यहाँ पे मात्रा बताया उसी प्रकार ये छोटे ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा। तो ये कार्य आप करें और इन्हें याद भी करें। आगे की वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सारे कार्य करेंगे और इसे आगे भी याद